हरि ओ जय मा दुर्गे मांकर पवित्र नवरात्रि रे आपण मानुको चतुर्थ दिवस रे एही सुंदर कार्यक्रम को स्वागत करुछु। महाप्रभुंकर पावन कृपा मांकर पावन दया जो माने चंडी पाठ को श्रवण करुछंती से माने महाभाग्यवान। आम तो आरंभ करिबा चंडी पाठ आउ ता भीतर थिबा महिमा आउ आज नवरात्रि रो चतुर्थ दिवस रे केउ मां को आपण माने पूजा करिवे से विषय रे आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु वंदना करिबा से मां को काश तंडी रो फुले फुले आज मां को आविर्भाव। हे मां तुमे संसार रो मंगल कर, एही न्याय रे मां को वंदना करिबा। हे मां तुमे जगत को आपणकर कृपा बारी चिंचन करंतु। हे मां तेणु समस्त टिके वंदना करिबा से मांक चरणारविंद तले। कल्याणमयी मां तुहे भूषा, कल्याणमयी मां तुहे भूषा, कल्याणमयी मां तुहे भूषा, बोलिए जगत जननी माता की जय। आज पवित्र दिवस नवरात्रि चतुर्थ दिवस रे आपण माने जो मां को आराधना करिबे नाम होची कुष्पांडा। मां करो एभली नाम पछरे कौन रहिची रहस्य, शास्त्र बड़ा सुंदर सिद्धांत दियंती भक्त बंधु। कहा जाए मां करो उत्पत्ति सृष्टिर आरंभरु, आउ सृष्टिर आरंभ नुहे बरम मध्य कहुच्छे अनेक शास्त्र प्रमाण दिये जे कि जगतर सृष्टिकर्ता जोग माया साक्षात होती कुष्मांडा। ये सारा ब्रह्मांड को सृष्टिकर्ता जहाँ को श्रीमद भगवद गीता भगवान कही जे मु मोर जोग माया बल सृष्टि सर्जना करी से जोग माया होती कुष्मांडा। आउ आज से देवी श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत नवरात्रि चतुर्थ दिवस रे जो देवी को आपण माने पूजा करती। भक्त बंधु जतबले देवी आविर्भाव होइचंती देवी होउचंती सिंह वाहिनी, आउ जो देवी कुष्मांडा आउ एक नामकरण मध्य करा जाइछि देवी पाखरे बलि समर्पण करा जाए जो फल सुवर्णर फल कुष्पांड बोली कहा जाए से फल को देवी पाखरे समर्पित करा जाए। आई फल को देवी ग्रहण करती सुवर्ण फल जहाँ पाणी कखारू से देवी नामकरण ये बलि ग्रहण करुवा तो कुष्पांडा नाम नामित होते। तेणु माँ को जदि आज दिन में आपण मैने हलदिया आसन पकाई आपण मैने साधना करते माँ को दिव्य चंडी स्तोत्र को पाठ करने सहित माँ को ध्यान करते आपण मानंकु अनेक तीर्थर फल मध्य माँ प्रदान करते। आउ आपणकर घरे जदि कौनसी रोगी मध्य आपण मानकर पड़ी थांती से मध्य रोगमुक्त हो जाए। आउ आपणक देहरे जदि अनेक रोग अछि से रोग मध्य दूरई भूत हो जाए माँकर कृपारु। तो चलंतु काली आम्हे माने आपण मानकर अर्गल स्तोत्र को पाठ करथिलु आज आपण मानकर मांकर से देवी कवच को पाठ करिबा जे चंडी स्तोत्र को श्रवण कला परे आपण मानक भितरे एक नूतन प्रकार ऊर्जार संचार हुए। व्यास कृत से चंडी स्तोत्र को पाठ कले मांकर कृपा आपण को ऊपर हो जाए। कहा जाए माँ ही सुणती कान खोली से स्तोत्र को से होचे चंडी पाठ। तेणुक आमर ये निरा कार्यक्रम अर्गस टीवी माध्यम रे चंडी पाठ तो देवी कवच को जो माने श्रवण करते आज दिन आलोचना को जो माने श्रवण करुछंती महाभाग्यवान। कहा जाए कवच शरीर रक्षाकारी, तेणु देवी कवच को जो माने धारण करती बा देवी स्तोत्र को जो माने श्रवण करती देवी तांकर कवच हो जाती बा रक्षा करती हो जाती रक्षा करती शरीर को भक्त को रक्षा करती माँ। आउ कौन कहते बड़ा सुंदर श्लोक वर्णना करा जाए
ओम मार्कण्डेय उवाच ओम जदगुह्यं परमलोकं सर्वरक्षाकरणृणां जन्म कस्यचिताख्यतं तन्मे ब्रूहि पितामहं ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यं तम विप्र सर्वभूतोपकारं दिव्यास्तु कवच पुण्यं तत शृणस्तु महामुने माँकर दिव्य आपण मानकर स्तोत्र रे हे माँ तुम्हें मोर मंत्र स्तुति ए पिला जहाँ कहुचि ताको क्षमा प्रदान करी आपण शुणंतु कहीं आपण को महिमा हे माँ किए बा वर्णना करी आपण भितर रही ये मेसीनटा को चलाउचंती बोली ए मेसीन जहाँ कहुचि तेणु माँ आपण पाखे मु समर्पित हुई ये कवच को आपण पाठ करुची बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल प्रथम शैल पुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटे तीट कुष्मांद चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तम काल रात्रि च महागौरी साष्टकम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्ता न्योतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमान्मस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गं मध्यैव भयार्तं शरणं गता न ते संजायते किञ्चिद् शुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि जय मा माँकर दिव्य स्तोत्र रे वर्णना करा जाइछे माँकर नवरात्र रो नवदुर्गांकर कथा कवचरे प्रथम शैलपुत्री द्वितीय रे ब्रह्मचारिणी जहाँ को आम मैंने भक्त आलो माने आलोचना करूथले भक्त बंधु प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटा चतुर्थ रे कुष्पांडा पंचम रे स्कंद माता षष्ठ रे कात्यायनी सप्तम रे कालरात्रि अष्टम रे महागौरी ओ नवमरे सिद्धिदात्री यही नवदुर्गा बोली कथित अछि यही समस्त नाम सर्वज्ञ देव द्वारा वर्णित होइछि देवता मानक द्वारा मध्य यही नाम को वर्णना करा जाइछि अग्नि द्वारा दग्ध होउथिला बळे शरीर रणक्षेत्र शत्रु मानक द्वारा आक्रमण रे विषम विपद समय रे भयभीत होइ जे देवींकर शरणागत हुए ताहंकर रण संकट रे किछि मात्र अशुभ घटे नाही मन रखि ताहंतु रणक्षेत्र रे जदि आपणकर स्थिति खराब अछि आपण जानिबे पराजय सुनिश्चित जदि एही देवींको स्मरण करिबे नवदुर्गांको स्मरण करिबे आपणकर विजय सुनिश्चित बोली चंडी पाठरे कहा जायछि मांकर सुंदर वर्णना आम्भे माने आलोचना करूथिले से कवचको पाठ करूथिले आउ एबे आमे से कवचको पाठ करिबा सहित धारण करिबा कोन वर्णना करा जायछि जोष्टुम भक्त्या श्रुतानूनम ते समृद्धि प्रजायते जे त्वं स्मरति देवेसि राक्षसेता न संशय प्रेत संस्थातु चामुंडा बाराही महिषासना ओइन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कुमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्म सना देवी पद्महस्ता हर प्रिया शेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इतैते मातरां सर्व सर्वजोग समनिता नानाभरण सौवाढ़्यां नाना रत्न प्रशोभिताम् दृश्यन्ते रथारूढ़ां देव्यं क्रोध समाकुला शंख चक्र गदा शक्ति फलं मूसलायुधं फेटकं तोमरं चैव परशुपाशमेव च कृन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्गमायुधमुतममं सुंदर वर्णना जे तुमको प्रतिदिन भक्ति सहकारे स्मरण करे हे मां ताहार सर्व संपद श्री बुद्धि हुए मांकर वर्णना करियुछंती जेतबले सूरथ राजा विषाद मग्न होइचंती भक्त बंधु आरंभ होइचि मेधारुषि से मांक शरण जीवा पई कहिचंती
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ଆଉ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସୁରଥ ରାଜାଙ୍କର ବିଷାଦରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ଋଷି ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ବିଷାଦରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମା ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଏ ମା ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ହେ ମା ସବାରୁଢ଼ା ଚାମୁଣ୍ଡା ମହିଷାରୁଢ଼ା ବରାହି ଗଜାରୁଢ଼ା ଐନ୍ଦ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ାସନୀ, ହେ ମା ମହାବିକ୍ରମୀ ନାରସିଂହେ ମହାଶକ୍ତି ଶିବଦୂତି, ହେ ମା ମହେଶ୍ୱରୀ ବୃଷବାହନ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣା ଈଶ୍ୱରୀ ହଂସାରୁଢ଼ା ସର୍ବକଳଙ୍କାର ଶୋଭିତା ବ୍ରହ୍ମୀ, ଏହି ଏକାଦଶ ମାତୃକାର ସର୍ବଯୋଗ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବତୀ ଦିବ୍ୟ ହାର ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବିଧ ରତ୍ନ ଏବଂ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମା ଶୋଭା ଅଟନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଖଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ଶୋଭା ମାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଗୁଣ କରିଦିଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ। ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କହିଲେ, ଦୈତାନାଂ ଦେହ ନା ସାହାୟ ଭକ୍ତ ନାମ ଭୟାଚ ଧାର ୟାତୁ ୟୁ ଧାନି ଥତମ ଦେବାନଂ ଚ ହିତାୟବେମ ନମସ୍ତେ ତୁ ମହାରୌଦ୍ରେ ମହାଘୋର ପରାକ୍ରମେ ମହାବଳେ ମହୋତ୍ସାହେ ମହାଭୟ ବିନାଶିନୀ ତ୍ରାହି ମାଂ ଦେବୀ ଦୁଷ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟମ ଶତ୍ରୁଣାଂ ଭୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ପ୍ରାଚ୍ୟା ରକ୍ଷନ୍ତୁ ମାମେନ୍ଦ୍ରୀ ଅଗ୍ନିଜାମଗ୍ନି ଦେବତା ଦକ୍ଷିଣେବନ୍ତୁ ବରାହି ନୈରନ୍ତ୍ୟାଂ ଖଡ଼ଗଧାରିଣୀ ପ୍ରଚିନ୍ତ୍ୟା ବାରୁଣୀ ରକ୍ଷତେ ବାୟବ୍ୟଂ ମୃଗବାହିନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଂ ପାତୁ କୁମାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଂ ଶୂଳଧାରିଣୀ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମାଣି ମେ ରକ୍ଷ୍ୟଦେସ୍ତାଦ ବୈଷ୍ଣବୀ ତଥା। ହେ ମା କ୍ରୋଧାନିତା ଦେବୀମାନେ ରଥରେ ବସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମହାନୀଳ ଓ ପତ୍ୱ ରାଗ ଆଦି ମଣିମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଶକ୍ତି ହଳ ମୂଷଳ ଖେଟକ ତୁମର ପରଶୁ ପାଶ କୁନ୍ତ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଭୟଦାନ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମା ଧାରଣ କରିଥିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଅନେକ ଭୟରେ ଶରଣ ପଶନ୍ତି ନହେଲେ ଭକ୍ତିରେ ଶରଣ ପଶନ୍ତି। ଅନେକ ତ ଭୟ କରନ୍ତି ମା ଲୁ କାଳେ ମାରିଦେବେ, ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ମା ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଚଣ୍ଡୀରେ କ'ଣ, ଯେ ମା କେବଳ ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହେ ମହାବଳେ ହେ ମହ୍ୟାୟ ହେ ମହାଭୟ ବିନାଶିନୀ ହେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ହେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଭୟବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏ କବଚକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମା ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ମା। ଏତିକି କେବଳ ମାଙ୍କ ଚଣାର ବିନ୍ଦ ତଳେ ଆଜି ଶୁଣ ବସନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ଦୀର୍ଘରେ ଐନ୍ଦ୍ରୀ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଅଗ୍ନିଦେବତା ଦକ୍ଷିଣରେ ବରାହି ନୈରତ୍ୟ କୋଣରେ ଖଡ଼ଗ ଧାଣି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଏ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏ କବଚରେ କରାଯାଇଛି, ପୁନଶ୍ଚ କବଚକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏବଂ ଦଶ ଦିଶୋ ରକ୍ଷ୍ୟଦେ ଚାମୁଣ୍ଡା ସବଦାହନା ଜୟମେ ଚଗ୍ରତଂ ପାତୁ ବିଜୟଂ ପାତୁ ପୁଷ୍ପତମ ଅର୍ଜିତା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱେତୁ ଦକ୍ଷିଣେ ଚାପରାଜିତା ଶିଖା ମୁଁ ଦୈତିନୀ ରକ୍ଷେ ଦୋ ମା ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ମାଳ ଧାରି ଲଲାଟେ ଚ ଭ୍ରୁବ ରକ୍ଷତେ ଯଶସ୍ୱିନୀ ତ୍ରିନେତ୍ରା ଚ ଭ୍ରୁବ ମଧ୍ୟେ ଯମ ଘଣ୍ଟା ଚ ନାସିକେ ସଂଖିନୀ ଚ ଖୁସ୍ୱମର୍ଦ୍ଧେ ଶ୍ରୋତୟୋ ଦ୍ୱାରବାସିନୀ କପୋଳ କାଳିକା ରକ୍ଷତେ କର୍ଣ୍ଣମୂଳେ ତୁ ସାଙ୍କରି ନାସିକାୟ ସୁଗନ୍ଧା ଚ ଉର୍ଦ୍ଧରୋଷ୍ଟେ ଚ ଚର୍ଚିକା
अधरे चामृत कला जुह्यांच सरस्वती दंतानं रक्षते कुमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिका चित्र घंटा च महामाया च तालुके वर्णना करा जाइछ अति सुंदर भावरे किए क्यों अंग को रक्षा करिव पश्चिम रे बारुणी वायु कोण रे मृग वायुनी वायु देवता उत्तर रे कोबेरी ईशान कोण रे शूल धारिणी मते रक्षा करंतु ओम चंडिका देवी दश दिग पाल रे देवता उपरे ठारे अति सुंदर भाव रे वर्णना आपण मानकु श्रवण कराइलु भक्त बंधु जया सम्मुख रे विजया पृष्ठदेश रे अजिता वाम पार्श्व को अपराजिता दक्षिण पार्श्व को मोर रक्षा करंतु दैतिनी मोर शिखा रक्षा करंतु उमा मोर मस्तक मस्तक रे अवस्था करंतु माल धारिणी मते ललाट ओ यशस्विनी मोर हृदय को रक्षा करंतु चित्रनेता चक्षुदेय यमघंटा पार्श्व द्वय एवं त्रिनेत्रा चंडिका भ्रूमध्य देश रक्षा करंतु भ्रूमध्य देश को रक्षा करंतु शंखिनी नेत्र द्वय मध्यस्थ तारका द्वय दूरवासिनी कर्णक द्वय कालिका कपाल एवं शंकरी कर्णमूल को रक्षा करंतु हे मा तुम्हें रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर कवच धारण करिबे आपण ए भले भाव रे पुनश्च वर्णना करा जायछि माँ को विनती करा जायछि हे मा कामा खीचि बुकं रक्षते वाचमे सर्वमंगला ग्रीवाय भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नील ग्रीवा बही कंठे नलिकां नल कुबरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षते बाहुमे वज्र धारिणी हस्तयो दंडनी रक्षे दंभिका चांगुली सुच नखानं शूलस्व रक्षते कोखो रक्षेते कुलेश्वरी स्तने रक्षते महादेवी मन शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारिणी नाभुच कामिनी रक्षते गुह्य गुहेश्वरी तथा पुत्तना कामी कामेठं गुदे महिष वाहिनी कट्या भगवती रक्षते जानुना विंध्यवासिनी जंघे महाबल रक्षते सर्वकाम प्रदायिनी एठी दिव्य भावरे वर्णना करा जाइछि हे मा तुम्हें रक्षा कर सुगंध नासिकारे चर्चिका उपरे ओष्ठरे अमृत बाला धर रे एवं सरस्वती जिह्वारे अवस्थान करंतु हे मा सरस्वती तुम्हे जिह्वारे अवस्थान करंतु मो वाणी को सुंदर करी दियंतु अर्थात आज यदि वाणी रे शुद्धता नाही कलियुग रे आपण माने देखिबे अनेक लोकंकर वाणी रे शुद्धता नाही अति क्रूरता तेणु माँ को आपण माने ध्यान करंतु आ कवच रूप रे धारण करंतु जिह्वारे सरस्वती को काहेकि ना बाणी रे मधुरता भरी जाए भक्त बंधु आपण मान को कहि रखिबा पई चाहू जिभरे हेतिबा घा शीघ्र सुखी जाए हेले जिभ देथिबा काकू घा शीघ्र सुखे ना काहेकि ना जिभरे आपण माने जते कटु कथा कहंती अन्य लोकंकर हृदय को सेते कष्ट दिए आरो प्रतिफल आपण निश्चिंत भोग करते अर्थात काहा को कष्ट दियंतु नाही जीभ माध्यम रे कटुता वाणी कहि काहि केना कष्ट दियो नाही हृदय काहार हृदय अटई मांक मंदिर प्रभुंक मंदिर तेणु काहा हृदय रे कष्ट दियंतु नाही जीभा को सबळे संजमित रखिबा पई मां सरस्वती को कवच रूप रे धारण करंतु हे मां सरस्वती मो जीभा रे तुम्हे बास कर देवी दुर्गांकर श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी आपण मानंकु से कवच भीतर को नै जिबा जहा व्यासकृत सुंदर कवच को आम्भे माने पाठ करूतिले हे मा तुमे सरस्वती रूप रे मो जिहारे बास कर मो भीतरे से भाव सृष्टि हेउ आउ जिहारे सबबेले मधुरता भरि दियो आउ हे मा कुमारी दंत समस्त चंडिका कंठ देश चित्र घंटा घंटिका एवं महामाया तालु को रक्षा करंतु कामाखी चिबुकु सर्वमंगल्य वाक्य भद्रकाली ग्रीवा ओ अनुर्धरी मेरुदंड को रक्षा करंतु कंठर बहिर्भाग नील ग्रीवा कंठ नाली नल कुबेर स्कंद द्वय खड्गिनी एवं ब्रजधारिणी बाहु द्वय को रक्षा करंतु हस्त द्वय दंडिनी अंगुली समूह को अंबिका रक्षा करंतु नख गुड़ी को शूलेश्वरी नरेश्वरी कुखी द्वय को रक्षा करंतु महादेवी स्तन द्वय ओ शोक बिना प्रणी मन ललिता देवी हृदय
शूलधारी उरैया को रक्षा करंतु हे माँ तुम्हें कृपा कर कृपा कर पुनश्च वर्णना करा जाय छि ओम गुल्पो फयोनार संघी च पाद पृष्ठे चु तैजसी पादंगुली श्रखेत पादा धस्थलवासिनी नखातं दष्ट कराली च के संचैव अर्धनु केसिनी लोम कुपेशु कोवरिं ओम च बागीश्वरी तथा रक्त मजा वसामासनन्य स्तदी मेदांसी पार्वती अंत्राणी काल रात्रि च पीतंच मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ा मणिष तथा ज्वालामुखी नख ज्वाल मदेभ्यं सर्व संदिशु शुक्र ब्रह्माणी मे रक्षे छायां छतेश्वरी तथा अहंकार मन बुद्धि रक्षत्मे धर्म मारिणी। भक्तबंधु यहार अर्थ से ही माँ निकामी देवी नाभि को मोर रक्षा करंतु चाहेश्वरी गुह्य देश मलद्वार को रक्षा करंतु माँ दुर्गंधा देवी बेढ्रदेश जनेन्द्रिय गुह्य वाहिनी देवी पायु को रक्षा करंतु मोर कटिदेश को भगवती माता देवी रक्षा करंतु उरुद्वय को मेघवाहन जंघद्वय को महाबला एवं जानुद्वय को माधव नायिका रक्षा करंतु नारसिंह पादमल द्वय को कौशकी पाद पृष्ठ द्वय को आउ श्रीधरी समस्त पादंगुली एवं पातलवासिनी पाद तल को रक्षा करंतु हे माँ तुम्हें रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। भक्तबंधु आपण माने स्तोत्र को जदि केवल श्रवण करती आम्भे माने जो जगह स्थान मानकर कथा सब कहचु हस्त पाद आपण केवल ये स्तोत्र को शुणतु आई जगार केवल हस्त स्पर्श कर आपण माने केवल माँ को स्मरण करंतु देखिए अद्भुत प्रकार चमत्कार आपण देह भितर हेबो आउ माँ आपण को सही माँ आपण को संपूर्ण रूपे कवच व सुरक्षा प्रदान करेंगे तेणु आंभे माने जेतबले स्तोत्र पाठ करुचु आपण माने सही जगह को स्पर्श करंतु। भक्तबंधु पुनश्च पार्वती देवी रक्त मजा वसा चर्बी मांस अस्थि और मेद एवं काल रात्रि अंत सकल आउ मुकुटेश्वरी पीत रक्षा करंतु हे माँ आपण ये भितर थिबा अंग प्रत्यंग रक्त मेद अस्थि एगुड़िक समस्त को माँ रक्षा करंतु। पुनश्च वर्णना करा जाइछि हे माँ रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्व रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी श्रद्धा प्राणपान तथा व्यान मुदानंच समानकम भद्रहस्ता च मे रक्षते प्राण कल्याण शोभना आयु रक्षन्तु वराही धर्म रक्षन्तु वैष्णवी जश कीर्ति च लक्ष्मी च धन विद्यांच चक्रिणी गोत्रविन्द्राणी मे रक्षते पशुन मे रक्षक चंडिके पुत्राणं रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षेतु भैरवी संधारं सुपथा रक्षेनागमं क्षेमंकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तु जतस्थानं वर्जन्ति कवचेनतु तथं सर्वरक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनी। हे माँ पद्मकोश बा फुसफुस को पद्मकोश कहिले आपण फुसफुस को पद्मावती देवी कफ को चूड़ामणि देवी नखस्थित तेज को ज्वालामुखी संधिस्थानी ग्रंथ अवेद्य देवी रक्षा करंतु। हे माँ आपण मोर शरीर भितर थिबा अंग प्रत्यंग को रक्षा करंतु। आम्भे माने से माँ को प्रार्थना करिबा हे माँ ये शरीर तोर ये संसार तोर तू कवच हो रक्षा कर माँ यति केवल प्रार्थना करिबा समय संकेत वाणी को विश्राम देवार पुनश्च आम्भे माने परवर्ती अध्याय रे आम्भे माने नवरात्रि रो पंचम दिन रे केउं देवी को पूजा करा जाय देवी को पूजा कले कौन मिले से कथा को आम्भे आगामी अध्याय रे आलोचना करिबा समय संकेत विदाय नेबा पई दिवार से मां को वंदना करिबा तापर आजिर वाणी को विराम दबा समस्ते मां कर कीर्तन करिबा कल्याणमयी माँ तू हे भूषा कल्याणमयी माँ तू हे भूषा कल्याणमयी माँ तू हे भूषा कल्याणमयी माँ तू हे भूषा।
जानो माई मा माँ तू है वो सहा कल्याण माई मा माँ तू है वो सहा। बोलिए जगत जननी माता की जय।